वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पर कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। मौलाना महमूद मदनी, वो नाम जो बीते दो दिनों से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। देवबंद में हुए जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में मौलाना महमूद मदनी के बयानों ने नया शोर पैदा कर दिया है। पर हम गैर नहीं है, इस मुल्क का शहरी है, मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है, जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पर कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। शनिवार को मौलाना महमूद मदनी उस वक्त भावुक हो गए थे जब उन्होंने कहा था, देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है, बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे, हम तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन देश का नाम खराब नहीं होने देंगे, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नफरत को मिटाने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। मौलाना महमूद मदनी देश के बड़े मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया है। 3 मार्च 1964 को उत्तर प्रदेश के देवबंद में पैदा हुए महमूद मदनी के पिता का नाम असद मदनी है। उनके पिता हुसैन अहमद मदनी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे थे। महमूद मदनी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अखिल भारतीय राष्ट्रीय सचिव और केंद्रीय परिषद सदस्य बनाया था। समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया था। उनका संसद का कार्यकाल 2006 से 2012 तक रहा था। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया उसके बाद महमूद मदनी ने राहत और पुनर्वास का जो काम किया उसने मदनी को पूरे देश में पहचान दिलाई थी। मदनी एक बार फिर तब हीरो बने जब उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया। इसके तहत उन्होंने पूरे देश में 40 से ज्यादा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन किए। हालांकि NRC और CA के खिलाफ जब उन्होंने आंदोलन की बात कही तो उनकी निंदा भी की गई थी। अब मौलाना महमूद मदनी देवबंद में हुए सम्मेलन में दिए गए अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।